हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर, साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं बेसिकली आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट्स फॉर्मूले बता रहा हूँ और उस पर मैं क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने चैनल पे आपके लिए एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी डाल रहा हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रल का, ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए, क्वेश्चन भी बनाते जाए और आपका एनसीईआरटी भी पैरेलल आपको सॉल्व होते जाए। और इसके अलावा अगर आपके तरफ से कोई भी अगर टॉपिक्स या चैप्टर की डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, मैं उसके लेक्चर जल्द से जल्द बनाकर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दे कैसा क्या लग रहा है। अगर आपके तरफ से अगर लाइव लेक्चर की डिमांड है तो कमेंट में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर कमेंट लिखेंगे कि सर आप लाइव लेक्चर या बोर्ड के हिसाब से क्रैश कोर्स शुरू करवाएं, तो मैं फटाफट वो मैं क्रैश कोर्स मैं आपके लिए शुरू कर दूंगा। और मैंने लास्ट क्लास में इंडेफिनिट इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन बताया था और उस पर बेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था। इस क्लास में भी मैं लास्ट क्लास के ही कंसेप्ट को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन मैं इंटीग्रेशन का करवा रहा हूँ, क्योंकि इस पार्ट में क्या स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आपको इसके कोफिशियंट को आपको वन बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स बाहर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय सिक्स एक्स प्लस वन बाय सिक्स डी एक्स। अब इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सिक्स को तो बाहर आने थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। फिर भी मैं एक स्टेप और आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका x माइनस टू से डिवाइड, तो 5 बाय 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का 144 और प्लस 1 बाय 6। तो आप इस तरीके 6 कॉमन निकालें ना, तो 6 जो कॉमन निकालें तो एक काम करना पड़ेगा अपने को, कहीं ना कहीं ए 6 को तो बाहर रखना ही रखना है। दिस इज इसको इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक दूसरे मेथड से भी बताता हूँ, इसको आप फैक्टराइज कर देंगे। बेसिकली जैसे ही मैंने इसको फैक्टराइज किया, सिक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस वन दिस, अब इसके प्लेस पे होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूँगा। अगर एक्स का पावर वन हो और पूरा ओवरऑल पावर वन हो तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते, ए अपॉन दिस फर्स्ट टर्म, बी अपॉन दिस टर्म्स। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन से इसको मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर में जो आया इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो मतलब वन इक्वल टू ए हो गया। अब इससे मैं ए और बी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए बी को जीरो कर दो और बी की वैल्यू निकालने के लिए ए को जीरो कर दो। तो बेसिकली x इक्वल टू वन बाई थ्री रखेंगे, तो अब कैसे आप निकालेगा, यहाँ पर आपका क्या है a की वैल्यू, मैंने क्या बताया a की वैल्यू निकालने के लिए b को जीरो रखें और b की वैल्यू निकालने के लिए a के जीरो कर दें। मतलब इसको अगर मैं जीरो पुट करूँगा तो दिस इज़ थ्री एक्स इक्वल टू वन, दिस इज x इक्वल टू वन बाई थ्री पुट करेंगे तो आपका a निकल जाएगा। अगर b निकालना रहेगा तो इसको मैं क्या करूँगा, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन बाई टू करेंगे तो आपका v निकल जाएगा। तो वन बाई वन वैल्यू पुट करके निकालते हैं, तो इससे आपका x से a आ गया और टू वन बाई टू रखेंगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया जाए तो इससे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज। अब इसको फाइनली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपल है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला, तो नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है आपका 3dx, तो 3 तो पहले से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ नीचे का डिफरेंशिएशन 2dx, तो 2 भी है तो अंदर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मतलब डायरेक्ट ए 3 यहाँ पर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग 3x माइनस 1, और इधर हो जाएगा लॉग 2x माइनस 1 हो जाएगा। और 3 से 3 शुरू में काट दीजिए, बाद में काट दीजिए, बात एक ही है। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बेसिकली ये तो 2 से 2 गया और 3 से 3 गया, मैंने ऊपर ही करवा दिया था, और ये प्लस माइनस लॉग की प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब
नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको उसी प्रकार पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे सॉल्व कीजिए, वही a अपॉन एक्स माइनस टू और b अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। दिस इज a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस b अपॉन एक्स माइनस थ्री। यहाँ एलसीएम लेंगे तो x माइनस टू, दिस इज x माइनस थ्री, ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू। अब इससे क्या आ जाएगा, ए कैंसिल आउट, तो ए क्या आ जाएगा, x माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए x माइनस थ्री एंड प्लस बी x माइनस टू। अब इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू टू रखा, यहाँ टू माइनस वन वन हो गया, यहाँ टू माइनस थ्री दिस इज माइनस ए, और ए टू माइनस टू तो जीरो हो गया, मतलब ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू थ्री रख देते हैं, तो थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू, थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया, और थ्री माइनस टू डी, डी की वैल्यू टू हो गई। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ a की जगह पर क्या रख दिया, माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस बी की प्लेस पे क्या रख दिया, टू एक्स माइनस थ्री दिस इज डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस लॉग एक्स माइनस टू और यहाँ हो जाएगा टू लॉग एक्स माइनस थ्री, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, तो वही हो जाएगा प्लस सी। अब इसमें अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगाना हो तो एक स्टेप थोड़ा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ए टू पावर में चला जाएगा, दिस इज लॉग एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है ना, इसलिए ऐसा किया। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें तीन है ना नीचे, तो तीन आ जाएगा ए बी सी, जैसे मैंने ए अपॉन दिस, अब इसको एलसीएम लिया तो नीचे तो डिनोमिनेटर कैंसिल है, थ्री एक्स माइनस टू ए आ गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको ए बी सी फाइंड आउट करना है, तो एक बार x की वैल्यू आप पुट कीजिए वन, दूसरे बार x की वैल्यू आप माइनस टू, थ्री तीसरी बार x की वैल्यू थ्री पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो इससे आपका ए बी सी, जैसे वन पुट किया तो वन पुट करेंगे तो b जीरो हो जाएगा और c जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a बचेगा, इससे आपको a फाइंड आउट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि x की वैल्यू पर टू माइनस टू पुट किया तो इससे आपको b आ जाएगा, क्योंकि a और c जीरो हो जाएगा। फिर x बराबर थ्री पुट करेंगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, a और b जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ c आ जाएगा, c आ गया। अब a, b, c तीनों वैल्यू शुरुआत में रख देंगे, दिस इज। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, इजली हो जाएगा, माइनस वन बाई सी कॉमन और वन बाई एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, सबको सेपरेट करके इधर ए लॉग एक्स प्लस टू लॉग एक्स माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। इसमें x की प्लेस पे बेसिकली क्या क्या पुट करना है आपको, x की प्लेस पे a पुट कर देंगे, फिर b पुट कर देंगे, फिर x की प्लेस पे c पुट कर देंगे, तो वैल्यूज आ जाएगी। तो वन बाय वन पुट किया तो ए बी सी आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको फाइनली रख के इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन किया, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक्स का पावर तो वन है, तो एक में ब्रैकेट का पावर वन है लेकिन एक में ब्रैकेट के पावर टू है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा अलग मेथड्स लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए का पावर तो एक्स प्लस टू हो गया जैसे पुराना पड़ा, लेकिन एक्स माइनस वन है तो यहाँ बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर और सी अपॉन एक्स, लेकिन इसमें क्या मेथड लगाएंगे, तो x माइनस वन पहले तो a अपन x माइनस वन प्लस b अपन x माइनस वन का स्क्वायर और प्लस c अपन x प्लस टू। इस तरह के क्वेश्चन अगर ब्रैकेट का पावर हो तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, स्क्वायर पावर हो तो, ठीक है। एलसीएम वगैरह लिया तो आ गया, अब इसमें वन बाय वन, पहले तो x की प्लेस पे वन पुट किया तो वन जैसे पुट करेंगे तो a और c जीरो हो जाएगा, मतलब इससे आपका b फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद x की प्लेस पे माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू पुट करेंगे तो ए और बी जीरो हो जाएगा, मतलब इससे आपका सी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ए और सी तो आपका फाइंड आउट हो गया। अब अपने को क्या बी फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ
एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ए था। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो जाएगा आपको बेसिकली ए, यहाँ तो है नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट सी हो जाएगा, तो ए प्लस सी, और यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं तो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेसिकली, ए इक्वल टू माइनस सी, और आपने सी निकाल रखा है, सी यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इससे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू रख दिया पार्शियल फ्रैक्शन में और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले तो तीनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया। अब देखिए फर्स्ट का इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग आप एक्स माइनस वन कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या है कि वन बाय एक्स स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस वन बाय एक्स होता है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया, थर्ड का भी तो लॉग एक्स प्लस टू हो गया प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही तरीका है, एक्स का पावर वन है और ब्रैकेट का पावर भी वन है, इधर एक्स माइनस टू का पावर क्या है टू है, तो इसमें भी आपको वही कंसेप्ट लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। इस कंसेप्ट से भी वही चीज़ है, आप एलसीएम लीजिएगा, ये आ गया, एक बार एक्स बराबर टू रखेंगे, टू रखेंगे तो ए जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा, सी फाइंड आउट हो जाएगा, फिर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री रखेंगे तो सी जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा, ए फाइंड आउट हो जाएगा, और बी फाइंड आउट करने के लिए आप कोफिशियंट को इक्वेट कर देंगे दोनों साइड, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो वैसे ही बन जाएगा। तो क्या है कि क्वेश्चन ये सब क्या है कि पहले आप जैसे क्वेश्चन देखिएगा तो पहले एक क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिए तो वो क्वेश्चन तो आप सीख लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन आप पहले बनाइएगा, फिर जो मैंने सॉल्व किया आंसर उससे आप मैच कीजिएगा कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ आपने मिस्टेक किया है, देन फिर उसके बाद कीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है अब एक ये अब तीसरा तरीका हो गया, थर्ड मेथड हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का, अंदर क्या एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के पावर का स्क्वायर नहीं है, अब आपका क्या है एक्स का स्क्वायर है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का अलग मेथड लगाएंगे। देखिए थर्ड मेथड है आपके, तो इसको ए अपॉन एक्स प्लस टू हो गया, जैसे एक्स का स्क्वायर हो गया तो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें भी एलसीएम ले लेंगे तो आपका बेसिकली ए टर्म आ जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका दिस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए कर देंगे। अब दोनों साइड कोफिशियंट को इक्वेट कर देंगे, जैसे कोफिशियंट इक्वेट किया ए एक्स स्क्वायर और यह हो गया बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, और तो फिर उसके बाद एक्स का कोफिशियंट कंपेयर करेंगे दोनों साइड, या एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस टू, तो इससे आपका एक वैल्यू आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय ए। अब ए प्लस बी जीरो उधर आप निकाल चुके हैं, इससे ए की वैल्यू रख दें तो दिस इज बी की वैल्यू आ गई, तो ए बी वैल्यू अब रख देते हैं फॉर्मूलाज में। अब या एक्स बराबर जीरो एक चीज और वैल्यू पर निकालना, तो एक्स बराबर इक्वल टू जीरो रखा तो इससे आपका आ गया सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू आ गई, अब सारे वैल्यू जो आया सारे वैल्यू जो स्टार्टिंग में जो किया था उसमें पुटअप कर देते हैं, तो पुटअप किया, अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं दिस इज। अब इसको जैसे इंटीग्रेशन कीजिएगा आपका, तो पहले तो ये सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन तो लॉग एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो नीचे को टी मान के करिए, या नीचे का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं बताता हूँ तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स के ऊपर टू होना चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा। तो आपने इंटीग्रेशन किया और ये तो था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से टेन इनवर्स एक्स बाय टू का, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिस के लिए, अभी जो बताया ना उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको बनेगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसी तरीके से बनेगा जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है। एक्स इक्वल टू वन इससे ए आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो तो एक वैल्यू आर आ जाएगा, देन कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन आ गया। ठीक है, सारे वैल्यू इंटीग्रेशन रखे तो इसको आप पहले बनाइएगा, पहले अपने मन से बनाइएगा देन इसको आप मिलाइएगा तो हो जाएगा। अब ये एक्स क्यू प्लस वन दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वी वी आर, इसको एक्स क्यू प्लस वन को क्या लगाइएगा फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स प्लस वन
दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस वन। अब इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड दिस इज ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इधर तो वन हो गया, एलसीएम लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज एक्स प्लस वन, एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे तो वन हो जाएगा, ए माइनस वन तो वन, माइनस वन तो प्लस वन प्लस वन, तो ए इक्वल टू हो गया वन बाय थ्री। अब सेकंड में क्या कर देंगे कि आप वन हो गया, कोफिशियंट इक्वेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वेट करना है बोथ साइड, इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो जीरो हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो अपने को क्या निकालना है, बी निकालना है माइनस ए, तो बी की वैल्यू कितना होगी, माइनस वन बाय थ्री हो गया। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट इक्वेट कर लेते हैं, तो वन इक्वल टू इधर ए इंटू वन ए हो जाएगा, इधर कांस्टेंट इक्वेट करेंगे तो सी इंटू वन, ए प्लस सी इक्वल टू वन हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस ए और वन माइनस ए की वैल्यू वन बाय थ्री, थ्री माइनस वन दिस इज टू बाय थ्री, ए बी सी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना रहेगा तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू आपकी आ गई वन बाय थ्री, दिस इज वन बाय थ्री एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस सी, तो बी बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस वन बाय थ्री एक्स और सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी टू बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख दिया, अब इसको मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, ए थ्री एल सी एम देखे ए चीज़ हो गया। अब इसको जैसे इंटीग्रेशन करेंगे देखिए, तो फर्स्ट की इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स प्लस वन का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन और वन बाय थ्री बाहर। सेकंड का अगर इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो सेकंड को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको अरे नीचे का, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर मैं करने जाऊँ तो इस नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस वन, तो चूंकि इस फॉर्म में आपको एक्स माइनस एक्स टू है तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया गया इसको, अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस बताए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी मेथड बताऊंगा और उससे बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा।